अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारे मेल डायमंड डव की इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। तकरीबन दोस्तों एक दो तीन महीनों के बाद हमारे मेल डायमंड डव के लिए आखिर फीमेल डायमंड डव दोस्तों आ ही गई। और यार उसकी हिम्मत है मेल डायमंड डव की, इतना दिन वो बेचारा अकेला रहा है और हर वक्त सुबह सुबह रात के टाइम वो क्विंग करता रहता है। बेचारा अकेला है ना दोस्तों, उसको साथी की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों वो रात के टाइम, दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम हर वक्त क्विंग 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 करता ही रहता है। तो आखिरकार दोस्तों उसकी आज क्वींग हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि हमारी मेल डायमंड डव आ चुकी है। और फीमेल को देखकर दोस्तों मेल बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि यार आपको पता नहीं कैसे रह रहा होगा। चले यार हम दिखाते हैं उसको और देखते हैं कि हमारे मेल डायमंड डव का रिएक्शन कैसा है। इसको देख के वो खुश होता है या डर जाता है या ये डरती है या वो डरता है, कुछ क्या होता है देखते हैं दोस्तों। आ जाएं और अभी भी ये देखें आवाज़ें आ रही हैं यार क्वीन की। तो चलें दोस्तों हम जाते हैं मेल डायमंड के लिए, और उसके लिए दोस्तों आज हमारे पास सरप्राइज है। चलें दोस्तों आ जाएं। और बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई जल्दी से लेकर आए, तो यार आखिरकार आ ही गई। कल हमारे बजीज आए थे, आज हमारी फीमेल डायमंड आ चुकी है। आ जाए। और वो देखें दोस्तों हमारे बजीज मस्त यहाँ पर घूम रहे हैं, बहुत ही खुश हैं दोस्तों, बहुत ही खुश हैं। और बहुत ही कम लोग दोस्तों बजीज को इतना अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, मतलब इतना खुली जगह देते हैं। माशाल्लाह से हमारा मास्टर केस बहुत बड़ा है और हमारे बजीज यहाँ पर बहुत ही खुश हैं। हर जगह मटके लगी हुई हैं, मटके नहीं सॉरी दोस्तों बॉक्सेस लगे हुए हैं। जो भी हमारे बजीज को बॉक्स पसंद आएगा वहां पर अपना घर बना लेगा। तो अल्लाह करेगा दोस्तों जल्दी ब्रीड करेंगे। और दोस्तों सीजन भी है ब्रीडिंग का। और अब हम चलते हैं दोस्तों अपने मेल डायमंड के पास, और वो देखें वो बैठा हुआ है दोस्तों हमारा मेल डायमंड, और इसको आज नहीं पता कि इसका साथी आ चुका है। तो चलें हम खोलते हैं दोस्तों अपनी डव, इसको एक मिनट दिखाते हैं, देखते हैं ये फीमेल के पास आता है या नहीं आता। इसको ऐसे ही लटका देते हैं और ये क्वीन करेगा और फीमेल भी दोस्तों क्वीन करेगी, और इसको फिर पता चल जाएगा कि हमारे सेटअप में फीमेल आ चुकी है। और चलें इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये देखें दोस्तों इसके अंदर है हमारी फीमेल डायमंड। तो चलें दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं, मेल का रिएक्शन देखते हैं। वो बैठा है, इसको जरा उड़ाते हैं। वो गया, बस थोड़ा सा दोस्तों देखते हैं, नहीं तो फिर हम फीमेल को खुद ब खुद खोल देंगे। नहीं दोस्तों मेल डायमंड डव को बिल्कुल पता नहीं चल रहा, तो हम ही खोल लेते हैं यार, उसको आज दिखाई देते हैं। ये है जी हमारी फीमेल डायमंड डव, और इसको हम आज आज़ाद करने वाले हैं। और जो भी परिंदा दोस्तों आता होगा ना यहाँ पर खुश हो जाता होगा, क्योंकि यार ये जहाँ पर रहते हैं ना छोटे छोटे से पिंजरे होते हैं जिसने भी रखे हुए होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस में रखे हुए होते हैं, तो इनके लिए यार हमारा मास्टर केज परफेक्ट है। जब मैं यहाँ पर परिंदे खोलता हूँ ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यार परिंदे खुश तो मैं भी खुश और आप सब भी खुश। तो इसको दोस्तों मैं पकड़ता हूँ और खोलते हैं मास्टर केज में ऐसे, और चलें जी खोलते हैं अब। और वो देखें वो बैठा हुआ है मेल, और ये मैं इसको यहाँ पर बिठा दूँ सीता। हाँ बिठा दो। चलो हम यहाँ पर ही बिठा देते हैं यार। ये उड़ गई, वो बैठ गई ऊपर। वाह माशाल्लाह। और वो देखे मेल ने यार देख लिया ना। हाँ देख लिया मेरे, देख तो लिया है लेकिन आ नहीं रहा वो। आएगा, क्या हो गया इतनी जल्दी, देखने तो दो, पता नहीं वो कह रहे हो ख्वाब तो नहीं है। हाँ ना, बहुत टाइम के बाद यार हमारे मास्टर केज में फीमेल आई है। तो चले यार हमारा फर्ज तो हो गया पूरा, हमने इसके लिए आ गया। ये देखो यार आ गए दोनों एक साथ बैठ गए। और फीमेल तो जा रही है उसके पास, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं कि फीमेल और मेल की अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती, थोड़ा सा देख लें। तो चलें दोस्तों फीमेल थोड़ा सा टाइम लेगी इस सेटअप पर एडजस्ट होने में, क्योंकि अभी नहीं आए हैं ना, तो थोड़ा सा तो टाइम लेगी ना। तो अभी दोस्तों हम चेक करते हैं कि क्या हमारी ज़ेब्रा फिंचेस ने बच्चे निकाल लिए हैं, क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज देख ही लेते हैं। मैंने दो दिन पहले देखा था तो उस टाइम वही माशाल्लाह बच्चे तो निकले हुए हैं यार सितैन। क्या बात है यार, वाह यार ये तो कितने बच्चे खबर हुई यार सितैन। चलो दो निकले हुए हैं। अंडे कितने थे? पाँच अंडे थे।
अच्छा अभी दो निकले हैं। यस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी ज़ेब्रा फिंचेस के बच्चे भी निकल चुके हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, मैं बल्कि उठा लेता हूँ यार, नजर ही नहीं आ रहा, उठा लेता हूँ। ये देखो ना, ये है, ये देखते हैं यार फीडिंग करा रहे हैं वो नहीं करा रहे। हाँ यार, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने नहीं कराई थी फीड, और ये मेरे ख्याल में वो यार फीडिंग करा रहे हैं सिप्तान, ये देखो ना, वही तो मैंने देखा है, पीला पीला नजर आया वो आगे ऊपर, यार उसके माँ बाप आ गए, वो देखो ऊपर घूम रहे हैं। हाँ ये देखें दोस्तों, हमारी ज़ेब्रा फिंचेस अपने बच्चों को फीड करा रहे हैं, इन्होंने जो दूसरा क्लच दिया है दोस्तों इनकी केयर कर रहे हैं। पहला क्लच दोस्तों ने बिल्कुल सारा का सारा खराब कर दिया था, मतलब फीड नहीं कराते थे क्योंकि फर्स्ट क्लच था, तो एक बच्चा दोस्तों हमने उठा लिया। अब दूसरा देखते हैं क्या दूसरे को भी फीड करा रहे हैं या सिर्फ एक को ही करा रहे हैं। और ये देखें दोस्तों दूसरा बच्चा, ओ ओ अंडा भी साथ में आ रहा है यार, सिपी पीछे पीछे कर दो। हाँ अब हो गया, हाँ जी, नहीं 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 हो गया, हाँ चला गया। और देखते हैं दोस्तों क्या इसको भी फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे इसको, यार अभी मेरे ख्याल में ये अभी निकला है। नहीं, नहीं, नहीं है, फीड है अंदर, देखो अंदर है थोड़ी थोड़ी। हाँ है अंदर फीड है यार, इसके भी अंदर फीड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये तो अच्छा हो गया यार फीड करा रहे हैं ये। तो हम ये वापस रखते हैं इनके बच्चे और हमारा हैंगिंग नेस्ट दोस्तों, देखें हमारे एवरी में कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलो यार चलते हैं अब यार, सुनते हैं वो देखो माशाल्लाह डायमंड हाउस को देखो यार माशाल्लाह यार, अभी से यार इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ये तो मैंने इतना जल्दी सोचा नहीं था कि यार इतना जल्दी हो जाएगा, कमाल हो गया यार, अल्लाह करे यार जल्दी से अंडे हैं हमारे, क्योंकि डायमंड डव के अंडों का यार मुझे इतना इंतजार रहा था ना पिछली दफा, उस टाइम तो दोस्तों किसी डायमंड डव ने अंडे नहीं दिए थे, अब अल्लाह करेगा दोस्तों अंडे दे देंगे। तो चले दोस्तों, हमारी आज डायमंड डव भी आ गई और हमारी ज़ेब्रा फिंचेस ने अंडे भी दे दिए, और आप शोर देख सकते हैं यार कितना ज़्यादा कर रही है यार बिना फॉल। अब इनको बताएं हम क्या करें यार, हमने इनके पर भी काटे हैं, कुछ हफ्ता तो ये चुप हुई हैं लेकिन अब फिर से वही इनकी रूटीन जा रही है, फिर से शोर शुरू कर दिया इन्होंने, इनका करना पड़ेगा यार कुछ सिप्तान। तो अभी दोस्तों एक और खबर मैं आपको दे दूँ, हमारे ये जो पिजन्स हैं ना दोस्तों, इन्होंने भी पेयर बना लिया है, और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों अब पेयर तो बन गए, अब इनको मास्टर केज से हटा लिया जाए, क्योंकि यार छोटे छोटे जो परिंदे हैं ना हमारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ये जब उड़ते हैं ना इनके परों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरती हैं फिंचिस, घोंसलों में बैठी हुई होती हैं तो फौरन झड़ से बाहर निकल आती हैं, तो इसी दौरान उनके साथ में कोई अंडा चिपक के बाहर नीचे गिर जाता है, ये भी मसला होता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अंडे थे ना वो दो नीचे गिरे हुए थे, बिल्कुल यहाँ पर टूटे हुए थे कल, ये देखें दोस्तों ये हमारे ज़ेब्रा फिंच के अंडे थे, ये देखें एक ये गिरा हुआ है और साथ में एक और भी था सिप्तान, एक ये है दोस्तों, ये देखें ये दो अंडे गिर गए हैं दोस्तों, ये किसकी वजह से, इन पिजन्स की वजह से, क्योंकि इनका परों का साइज बहुत बड़ा है, जब उड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और फिंचेस बहुत ज़्यादा डरती हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये, और दोस्तों हमारी डायमंड डव सॉरी खुमे आपस में खेल तो रहे होते हैं, लेकिन यार पूरा पता नहीं है ये फीमेल हैं या मेल हैं, देखेंगे अब ये जो अंडे देंगे ना दोस्तों इनकी हम फिर करेंगे कैंडलिंग इनके अंडों की, और फिर हमें पता चल जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हमारी आज डायमंड डव आ चुकी है और दोस्तों ज़ेब्रा फिंच के बच्चे भी निकल चुके हैं, तो मुझे दोस्तों दीजिए इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, और जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि मेरे चैनल शेयर में आपको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, अल्लाह हाफिज यार इनको पकड़े।